वालेकुम दोस्तों, मैं उबैद रहमान और आप देख रहे हैं उबैद रहमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप अपनी चैनल आर्ट किस तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली थी, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए, जैसे हमारे टेस्ट नंबर वन की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है कैनवा। आपने वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देने। जब आप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करने। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने, अपने ईमेल से इसके ऊपर आपने लॉग इन करने या गूगल अकाउंट से। जब आप ये लॉग इन कर देंगे, तो इसके बाद आपने इधर से प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने। इसके बाद इधर से सर्च करना है यूट्यूब चैनल आर्ट। जब आप ये सर्च करेंगे, तो इसके बाद आपने जो भी आपकी कैटेगरी का चैनल है उसको सिलेक्ट कर देना है। तो मेरा गेमिंग चैनल मैं बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं बैनर बना रहा हूँ, तो मैं गेमिंग चैनल का चैनल आर्ट सिलेक्ट करूँगा। आपने और अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर देना है। मुझे यह दूसरे नंबर वाला चैनल आर्ट अच्छा लगे, तो ये मैं सिलेक्ट कर दूँगा। इसके बाद ऊपर जो फॉन्ट दिए है, उसके ऊपर मैं क्लिक करके इधर मैं अपने चैनल का नाम उबैद गेमिंग लिखूंगा। नीचे प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आपने फिर क्लिक करके नीचे टेम्पलेट्स में जाके उधर से अपने चैनल की जो कैटेगरी है उस तरह का नाम सेलेक्ट लिख लेने। मैं गेमिंग लिखूँगा। गेमिंग लिखने के बाद कोई भी जो मुझे अच्छी लगी पिक्चर, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जब सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद अपने चैनल आर्ट पर एडजस्ट कर लूँगा। इसके बाद इसकी दूसरी कॉपी बना के दूसरी साइड भी एडजस्ट कर लूँगा। आपने इसकी कॉपी किस तरह बनाना, नीचे डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो दूसरा इस जगह आ जाएगा। आपने उसको थोड़ा सा मूव कराना है, तो इसको दूसरी साइड भी इसी तरह एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जो कॉपी की है फ़ोटो, उसको भी आपने इस तरह एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने जो इफ़ेक्ट अप्लाई करने है। इसके बाद आपने जो गेमिंग सर्च किया, उसके फ़ोटो में जाके आपने उधर से कोई अच्छा सा फ़ोटो ले लेना है। जब आप फ़ोटो ले लेंगे, तो उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड कर देना है फुल स्क्रीन पर। इसके बाद आपने पोजीशन पे जाके सेंड टू बैक कर देना है। जब आप टू बैक करेंगे, तो देखना है कितना अच्छा लगेगा। इसके बाद आपने सर्च करना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ये मुझे पसंद है, तो मैंने यही लगा दिया। इसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है अपने यूट्यूब बैनर चैनल के ऊपर, सॉरी यूट्यूब बैनर के ऊपर। और इसके बाद आपने फिर दोबारा सर्च करनी है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आप सर्च करेंगे, तो से आपने इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो प्रोफाइल पिक्चर है, आपने उसको ले लेना है। उसके बाद उसको भी एडजस्ट कर लेना है। जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद अपने फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, तो उसके लिए आप जो आपने लिखा है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे होरिजन तीसरे नंबर वाली फॉन्ट है उसको आपने ले लेने हैं। उसके बाद आपने ग्रीन वाली जो पट्टी है उसको ख़त्म कर देने हैं, और नीचे ब्लू वाली को आपने थोड़ा सा बड़ा करके उसके ऊपर अपने नेम को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने फिर तीसरी चीज़ जो है फेसबुक, आपने उधर से लिखना है फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर आपने ले लेनी है। उसको इस तरह आपने बैनर के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। अब आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो इसके बाद आपने एक और चीज़ लेनी है, जिसके लाइक बटन, जिसे कहते हैं लाइक बटन। आपने उसके लिए भी इस तरह ही करना है जिस तरह आपने फेसबुक के लिए। सिंपली आपने जाना है सर्च में, उधर लिखना है लाइक बटन, तो लाइक वीडियो या लाइक बटन लिखने, जो भी आप लिखते हैं वो तो वो लाइक वाला आ जाएगा।
फिर आपने कोई भी जो आपको अच्छा लगता है आपने ले लेने हैं। ले लेने के बाद आपने उधर से इसको एडजस्ट कर लेना है अपने बैनर के ऊपर। जब आप बैनर के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने सिंपली आपने फिर पिक्चर के ऊपर एक बार क्लिक करना है, तो ये सब हो जाएगा। इसके बाद आपने अपनी PNG इमेज पिक्चर जो ले है वो लेनी है। जब आप उसको लेंगे तो उसको भी आपने इस तरह एडजस्ट कर लेना जिस तरह मैं कर रहा हूँ। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, उम्मीद है कि अच्छी लगी, तो जल्दी से एक लाइक कर दें फिर एक सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके ऊपर डाउनलोड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद नीचे सेव एज इमेज गैलरी के ऊपर आप सेव हो जाएगी, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जब तक पूरी नहीं होती आप इंतज़ार करना है। इसके बाद आपने जाके देखना है गैलरी में आपकी ये बैनर सेव हो जाएगा।